टीकमगढ़ शहर में दोपहर 12 बजे के लगभग उस समय सनसनी फैल गई जब मोटे की मोहल्ला से पुलिस को सूचना मिली कि यहां पर बच्चों को चुराने वाली महिलाएं घूम रही हैं। सूचना मिलते ही सक्रिय हुई पुलिस ने पूरे शहर की नाकाबंदी कर न सिर्फ उस महिला को गिरफ्तार कर लिया बल्कि गली मोहल्ले में भीख मांग रहे लगभग आधा दर्जन संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस इन सभी के दस्तावेज परीक्षण करने के साथ ही संबंधित थानों से इनका सत्यापन भी करा रही है। स्थानीय मोटे के मोहल्ले के पास दोपहर 12 बजे के लगभग दो बाहरी महिलाएं घूम रही थी। आंगनबाड़ी केंद्र के पास पहुंची इन अजनबी महिलाओं से किसी ने पूछा कि आप कहां की हैं, तो यह बिना जवाब दिए वहां से जाने लगी। इस पर लोगों को लगा कि यह निश्चित ही बच्चों को चोरी करने वाली महिलाएं हैं और लोगों ने हल्ला मचा दिया। इसके बाद मोहल्ले के लोग वहां जुट गए और महिलाओं को घेर लिया। इसमें से एक महिला फरार हो गई और दूसरी को लोगों ने पकड़ लिया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस उक्त लोगों को पुलिस थाना लाकर तस्दीक से पूछताछ कर रही है। अभी सुबह सुबह दो जगह से सूचना आई थी, पुरानी टहरी मोहल्ला और मोटे का मोहल्ला से, कि वहाँ पे कुछ बाहरी लोग हैं जिनको वहाँ की लोकल पब्लिक ने घेर लिया है और बच्चा चोर होने की अफवाह उड़ाई जा रही है और तथा कुछ भी अनावश्यक घटना हो सकती है। सूचना मेरे पास सीधी आई थी, मैंने तुरंत थाना प्रभारी को दोनों जगह पर भेजा, मामले की तस्दीक कराई। जिन व्यक्तियों के ऊपर संदेह जताया जा रहा था उनको थाने लाके पूछताछ की गई। तो ये गरीब व्यक्ति हैं जिसमें से कुछ लोग सागर बंडा के रहने वाले हैं जो भीख मांगने यहाँ पर आए हैं, और एक महिला है जो कि अलाहाबाद की रहने वाली है, वो भी यहाँ भीख मांगने आई, जिसकी और डिटेल में तस्दीक अलाहाबाद के कंसर्न थाने से करवाई जा रही है। इसमें अभी तक ऐसा कोई भी साक्ष्य या फिर कोई भी बिंदु नहीं आया है जिससे कि ये कहा जा सके कि अफवाह की पुष्टि की जा सके कोई बच्चा चोर थे या कुछ और गलत करते को अंजाम देने के उससे मंशा से आए थे। नॉर्मल रूटीन तरीके से ये लोग ये भीख मांगने आए थे, किसी असामाजिक तत्व ने अननेसेसरी अफवाह उड़ाई जिससे सुबह सुबह एक भय का माहौल पैदा हुआ और किसी अनावश्यक स्थिति का उत्पन्न होने की संभावना पैदा हुई।